तो हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने राहुल एजुकेशन पॉइंट पर। मैं राहुल सर और आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने पिछले वीडियो में क्लास 10th का सेकेंड रिलेशन लेकर आया था, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में प्रकाश के अपवर्तन का सेकेंड लेक्चर देखेंगे हम लोग, और आज से क्लास काफी महत्वपूर्ण होगा और काफी बड़ा होगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा और विश्वास है आप लोगों ने पिछला वीडियो देख लिया होगा, और जो लोग नहीं देखे हैं कृपया कर आप लोग जाके देख ले, विजिट कर ले चैनल को। और क्योंकि मैंने जो पढ़ाया था वो काफी महत्वपूर्ण था फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और आप लोगों के सहयोग से हमारा चैनल आगे बढ़ रहा है, बहुत बहुत आभारी हूं मैं आप सबका, और आप लोगों की सपोर्ट आगे भी मिलेगी मैं आशा करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट्स में लिखा है, सर आप बहुत अच्छे कविता अच्छे बोलते हैं आप, और बहुत स्टूडेंटों ने लाइक किया, कमेंट किया, कोई कॉल भी किया कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये आप लोगों की मेहरबानी है कि मैं आज बोर्ड पे आकर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आगे भी आप सभी को इसी तरह पढ़ाता रहूँगा, हंसाता रहूँगा और अच्छे से अपना पढ़ाई आप लोग को देता रहूँगा। तो मैं उन सभी के लिए फिर एक कविता कहने जा रहा हूँ, और जो लोग मुझे जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, जिसको कविता पसंद है या फिर किसी किसी को नहीं भी है, उन लोगों के लिए मेरा आज का कविता है कि कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मगर धरती की बेचैनी बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो हम लोग आप शुरुआत करते हैं आज का सेकेंड लेक्चर को देखते हुए, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलते हैं, आज हम लेक्चर 2 देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग फोकस करेंगे और कोई भी स्किप ना करें वीडियो, क्योंकि बहुत ही अच्छा से आप लोगों को मैं समझा रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को देखें, 10th क्लास के जितने भी विद्यार्थी हैं 9th 10th के, आप लोग जरूर देखें, ये वीडियो 10th के लिए ही है। तो चलते हैं आज क्लास 10th का फिजिक्स के बारे में, लेसन 2 के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। फर्स्ट लेक्चर तो जो लोग नहीं देखे हैं कृपया कर जाके देख ले, विजिट कर ले। आज सेकेंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से कि आपतित किरण कहाँ है, आप अपवर्तित कहाँ, और दो माध्यमों में, कौन सा माध्यम में, एक वायु और एक कांच माध्यम में अगर हम आपतित किरण डालते हैं तो वह कैसा अपवर्तित होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आज दूसरा यह है, क्योंकि फर्स्ट जो आपतित किरण मैं बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में, आज ये क्या कह रहा है, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपतन बिंदु के बारे में अगर हम बात करते हैं, और अगर इससे अगर समझते हैं, इस चित्र से समझेंगे तो सहूलियत होगी और समझने में भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा देख ले हम लोग, डिफिनेशन अगर देख ले, तो क्या कह रहा है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यम को अलग करने वाली सतह से टकराती है। तो देखिए अब सतह क्या हो गया, ए और बी क्या हो गए, एक सतह हो गया, ठीक है, क्या हो गया बच्चों, सतह हो गया। समझ जाएंगे तो आप लोग खुद ब खुद इसका डिफिनेशन निकाल लेंगे। पहले बच्चों इधर फोकस करना है, तो ये एक सतह, ये भी क्या हो गया, एक सतह हो गया बच्चों। मैंने क्या किया, यहां से क्या किया, एक किरण इस पे डाला, सतह पे डाला, ठीक है। जैसे मैंने डाला तो इसको हम बोलेंगे आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन में क्या होगा,
कि इस सतह पे जब भी आएगी तो यहाँ पे एक बिंदु बनेगी, ठीक है, और ये ऐसे नहीं जाएगी, ठीक है, ये बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे अवर्तित हो जाएगी, थोड़ा सा मुड़ी हुई नजर आएगी, देखिए ऐसे हो जाएगा ये, तो इसको तो ऐसे जाना चाहिए, ऐसे गया नहीं तो क्या हो गया, ये ऐसे तरह से मुड़ गया और अपवर्तित हो गया। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, बिंदु हो गया इस पे सतह पर, ठीक है बच्चों, जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाले सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए यहां पे जो टकरा गई जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे, आपतित किरण यहां पे की सतह पर टकराने वाली यहां पे टकरा गई तो क्या बोलेंगे इसको, आपतित किरण। पर बच्चों एक समझने वाली बात है, आपतित किरण क्या हो गया, सतह से सतह पर यहां पे टकराई तो क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया। अब हम देखेंगे ये किस में होगा, एक वायु माध्यम जो होगा, क्या होगा, वायु और कांच में, दो माध्यम में ऐसा होगा, ठीक है, वायु और कांच में। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अभिलंब नॉर्मल किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं बच्चों, देखिए अभिलंब कहां है, जब देखिए यहां से आपतित किरण यहां पाई और यहां से अपवर्तित हो गई तो आप लोगों को मैं बताया होगा पिछले चित्र में कि यहां से एक सीधा जो ये आएगी यहां से यहां, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल अभिलंब बोलेंगे इसको, ठीक है, अभिलंब बोलेंगे, एन और एम मैंने क्या किया, अभिलंब ले लिया बच्चों, ठीक है, इसको हम अभिलंब बोलेंगे, ठीक, दो माध्यम वाई और कांच में। अब अभिलंब किसे कहते हैं, देखिए किसी सतह के, किसी सतह यानी कि ए भी क्या हो गया, कोई सतह हो गया, किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। ये एक सतह हो गया, यहां से यहां मैंने क्या किया, एक एन और एम क्या हो गया, अभिलंब खींच डाला, तो इसी के सतह को क्या बोलेंगे यहां पे अभिलंब, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे, ठीक है, कि किसी सतह की किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को, ये क्या हो गया सतह, इस पे जो खींचा गया लंब है आ गया, यही अभिलंब कहलाएगा, ठीक है, उसे उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। अब तीसरा क्या है इसमें समझने वाली बात है बच्चों, आपतित किरण, आपतित किरण के बारे में आप लोग जानते होंगे, आपतित किरण मैंने प्रकाश के परावर्तन में भी आपतित किरण के बारे में चर्चा की थी, ठीक है, देखिए ये हुआ आपतित किरण, यहां से यहां जो आएगी इसको हम लोग आपतित किरण करेंगे, ठीक है, और यहां से यह क्या होगा अपवर्तित किरण। तो अगर डिफिनेशन की बात करते हैं अगर हम, तो अब आपतित किरण किसे कहते हैं, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, ये अपवर्तित हो गया, देखिए यहां पर ये आपतन हुआ और यहां से देखिए इधर हो गया, इसी को बोलेंगे अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश किरणें को अपवर्तित किरण कहते हैं। एक माध्यम आपका ये वायु हो गया ऊपर, ये नीचे कांच हो गया, तो एक माध्यम से इधर से आई और दूसरे माध्यम में यह अपवर्तित होगी, इस माध्यम को एक माध्यम से आई मतलब इस माध्यम से आई और दूसरे माध्यम में आ गई, तो कह रहा है दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरणों को अपवर्तित किरण कहते हैं। एक माध्यम का ये हो गया वायु और दूसरा कांच हो गया, इसमें आने के बाद क्या हो गया अपवर्तित किरण हो गया बच्चे, ओके समझ गए। चलिए फिर देखते हैं क्या कहता है, इसको फिर से देख ले, दूसरे माध्यम से मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरणों को अपवर्तित किरण कहते, समझ गए बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, देखिए आपतन कोण की बात करते हैं, आपतन कोण मैंने बताया था कि जब भी अभिलंब अगर किसी सतह पर डाल दिया जाएगा तो दो कोण बनेगा, एक आपतन कोण और एक परावर्तन कोण, यानी कि यहां पे आई कोण और आर कोण बनेगा बच्चों, मैंने बताया था वीडियो में, ठीक है, तो उसी की चर्चा यहां पे हो रही है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, ठीक है, देखिए आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। देखिए आपतित किरण और आपतन बिंदु पर, ये आपतित किरण हो गया और यहाँ पे आपतन बिंदु हो गया, यहाँ पे जो कोण बनेगा, देखिए यहाँ पे जो कोण बनेगा कोण आई और कोण आर, इसी को बोलेंगे हम लोग आपतन कोण बोलेंगे, ये हुआ आपतन कोण, यहाँ पे आपका ये हो गया आपतन कोण आई, ठीक है, कोण आई कोण आर। तो आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसमें है, एक लास्ट है, मैंने चर्चा की आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, इसके बाद आपतन कोण के बारे में चर्चा की। अब क्या है अपवर्तन कोण, अपवर्तन, अपवर्तन कोण, देखिए बच्चों अब देखिए यहां से किरण आई और यहां से देखिए यहां पे ऐसे हो गई और यहां पे जो कोण बना इसे बोलेंगे अपवर्तन कोण बोलेंगे बच्चों, ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है।
आप लोगों को जब अगर अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देंगे, और एक लाइक तो बनता है, आप लोग लाइक करेंगे सपोर्ट करेंगे तो हम लोग अच्छा से पढ़ा पाएंगे। ठीक है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, फिर भी आप लोग का सपोर्ट बहुत है तो कोई नहीं। ठीक है, तो हो गया, तो अपवर्तन कोण किसे कहते हैं। अब अपवर्तन कोण की बात करते हैं अगर हम, तो देखिए क्या कह रहा है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब जो कोण बनता है उसे ही हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। यानी कि अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर, ये क्या हो गया, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, यहाँ पे हो गया इसको, इस पे खींचा गया जो अभिलंब होगा यही पे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपवर्तन कोण बोलेंगे बच्चों। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। अब देखिए बच्चों, हमने आपको क्या किया, इस चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से मैंने सबका डिफिनेशन आप लोग को बताया। सबसे पहले अगर एग्जाम की बात करें हम, तो एग्जाम में होता क्या है कि आपको ये डायग्राम या फिर चित्र के माध्यम से आपको बताना पड़ेगा कि आपतित किरण कहाँ है, अपवर्तित किरण कहाँ है, अभिलंब कहाँ है, और कौन से माध्यम में, दो माध्यम में, एक वायु और दूसरा कांच। ठीक है, इसको कंसेप्ट की बात है। ठीक है, ये दो माध्यम रहना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसको समझ जाएंगे आप लोग तो डिफिनेशन निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट पढ़ाई करते हैं इसमें, कि इससे आगे क्या है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पॉइंट वर्ड और डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से आप लोगों को मैं समझाऊंगा। ठीक है, इसलिए बने रहे आप लोग, तो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं क्या है? तो बच्चों अब आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या है, तो आगे है पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, पार्श्विक विस्थापन के बारे में 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, 18 या फिर 19 में पूछा गया था क्वेश्चन पार्श्विक विस्थापन के बारे में, और मैं आप लोगों को पहले इस चित्र के माध्यम से बताऊंगा कि पार्श्विक विस्थापन होता क्या है। मैंने देखिए क्या लिया, एक कांच की सिल्ली लिया मैं, ये ए बी सी डी क्या हुआ, कांच की सिल्ली हुआ, सिल्ली मतलब स्लैब। ठीक है, इसलिए जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने क्या किया, देखिए इस कांच की सिल्ली में मैंने एक यहां से एक आपतित किरण लिया। ठीक है, और इससे मैं गुजारा, तो देखिए यहां से गुजारने के बाद थोड़ा सा ये क्या होगा, मुड़ी भी प्रतीत होगी, तो मुड़ जाएगी, तो देखिए यहां से आए और यहां से फिर यहां हो जाएगी। परंतु इसमें क्या है कि जैसे आपतित किरण यहां से आएगी, यहां पर क्यू बनेगा, ठीक है बिंदु, इसके बाद यहां से देखते देखते धीरे धीरे यहां पे ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां से जो मुड़ी हुई दिखाई देती है ये सीधे यहाँ पे आएगी, और यहां से क्या होगी, ऐसे इसके मतलब सामने ऐसे ही चले जाएंगे। तो देखिए अब ये इसके, देखिए ये जो आप देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं, इसके बीच की जो दूरी होती है ना, इसकी जो बीच की दूरी होगी उसी को हम लोग बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन बच्चों। क्या बोलेंगे, पार्श्विक विस्थापन बोलेंगे इसके बीच की दूरी को। मैंने क्या किया, ए बी सी डी ले लिया। ठीक है, क्यू यहाँ बिंदु हो गया, यहाँ पे आर दे दिए, इसे हम कहेंगे निर्गत किरण, इसे क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। ठीक है, यहां से यहाँ की क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। ठीक है, इसे और इसके बीच की दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए माध्यम वायु, ठीक है यहाँ पे वायु, ठीक है माध्यम वायु में, ये वायु की बात कर रहे हैं। अब इसका हम डिफिनेशन अगर देखते हैं तो पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। ठीक है, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, तो समझने वाली बात है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये आपतित किरण होगा, देखिए यहाँ पे ये ऐसा, और निर्गत किरण ये हो गया, इसके बीच की जो दूरी होगी इसी बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन बच्चों। समझ में आ गई, आगे समझ में, तो पार्श्विक विस्थापन किसे कहेंगे कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्श्विक विस्थापन कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं बच्चों। समझने वाली बात है कि अपवर्तनांक होता क्या है, आप लोग को इसके बारे में बताऊंगा कि वायु में अगर अपना क्या होगा कांच का, इसके बाद फिर हवा का बताएंगे हम लोग। ठीक है, हवा वायु एक ही हो गया, तो कांच और वायु निर्वात में। ठीक है, देखिए अपवर्तनांक किसे कहते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक के बारे में समझ आए, क्योंकि अपवर्तनांक यहाँ से दो नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, समझाइए। तो हम बोलेंगे कि किसी माध्यम तो क्या होगा, कोई रास्ता, जाने का रास्ता कोई माध्यम होगा ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, माध्यम। ठीक है, किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को अपवर्तनांक कहेंगे। पहले बच्चों समझने वाली बात है, यहां समझ आइए, कह रहा है किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा
को बदलने की क्षमता को अपरतना कहते हैं। फटाक से अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, अपरतना किसे कहते हैं, यहाँ से पूछा जाएगा अपरतना कहते हैं, तो अपरतना कहते हैं। अब इसको अगर दूसरा डिफिनेशन हम देखेंगे बच्चों, तो उससे भी अच्छा देखिए, हम इस डिफिनेशन को लिख सकते हैं और उसको भी लिख सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है देखिए, समझने वाली बात है, अगर समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों, समझ जाओ और अच्छे से फोकस से करो, पढ़ना पड़ेगा। टेंथ का जो इस बार एग्जाम होगा काफी अच्छा होगा, और कोरोना महामारी में तो जानते हैं कि पढ़ाई कैसे होता है, इसलिए आप लोगों को मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो इसका फायदा तो उठाइए आप लोग, फायदा उठाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पूरा शेयर कर दीजिए आप दोस्तों के साथ, ताकि धूम मचा दे पूरा यूट्यूब पे, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं देखते हैं क्या कर रहा है। दूसरा पॉइंट अगर इसका डिफिनेशन कर सकते हैं हम, कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, चाल को सीख कर लिख सकते हैं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को बच्चों, अनुपात को समझे, अनुपात यानी किसी माध्यम में का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल के माध्यम चाल और उसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या बोलेंगे बच्चों, अपवर्तनांक कहेंगे बच्चों, अपवर्तनांक कहेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आता है, नोट कर लो, ऑब्जेक्टिव आएगा, रिवीजन कर लो, इसे रिवीजन कर लो पूरा, ये इससे ऑब्जेक्टिव 100% पूछ देगा आप लोगों को, अगर आप लोग देख लो यहाँ पे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। एक नंबर आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, आपको बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए पूछा जाएगा आप लोगों को कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, तो हम लोग जवाब देंगे बच्चों, शून्य में प्रकाश की चाल बट्टे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। इसको मैं अच्छा से आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो क्या कर रहा है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल बट्टे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो यहाँ पे समझने वाली बात है। अब देखिए शून्य में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, इसका हम अनुपात निकालेंगे, आपको निकाल के बताएंगे कि वायु में क्या होगा प्रकाश की चाल, ठीक है, फिर कांच में क्या होगी, आप लोगों को मैं बताऊंगा अभी, तो बने रहे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है ना आप लोग नोटबुक में फेयर कर लेंगे सुंदर अक्षर में राइटिंग में। और देखिए मैं यहाँ पे जो बोर्ड पढ़ाता हूँ तो थोड़ा बहुत फिगर जो भी डायग्राम बनता है तो थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा हो जाता है, लेकिन आप लोग जो बनाएंगे स्केल की मदद से बनाएंगे और अच्छा से बनाएंगे ताकि सुंदर लगे देखने में, ठीक है। राइटिंग पे ध्यान दीजिए आप लोग, राइटिंग जितना अच्छा बनेगा उतना अच्छा मार्क मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। इसको समझने की प्रयास अगर आप लोग कर लेंगे तो रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, समझने की बात है, समझ गए तो फिर आपका यहाँ से क्वेश्चन स्मरण जरूर रहेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। चल देखते हैं आगे क्या होता है। तो प्यारे बच्चों अब हम अपवर्तनांक को और अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक को मैं एक उदाहरण लेके आप लोग को समझाऊंगा, बहुत ही कंसेप्ट से बताऊंगा कि पानी में और कांच में कैसे कैसे कितना गुना बढ़ता या घटता है, ठीक है। देखिए आप क्या कह रहे, उदाहरण के लिए मैंने क्या किया, कांच का अपवर्तनांक, देखिए कांच का अपवर्तनांक इसको एनजी कर सकते हैं अपवर्तनांक, ठीक है। नहीं, कांच का अपवर्तनांक होता है शून्य में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। आप लोग को पता होगा शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है बच्चों, कितना होता है 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक। और कांच में प्रकाश की चाल बताया था मैंने, तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होगा बताइए, तो कांच में प्रकाश चाल क्या होता है 200,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, देखिए 5 जीरो इसमें है, 5 जीरो इसमें काट दिए, कितना होगा 3/2, 3/2 को अगर करते हैं तो हमको 1.5 आता है, ठीक है, 1.5 आता है, इसको याद रखेंगे, यानी कि कांच शून्य में प्रकाश की चाल 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड और कांच में प्रकाश की चाल 200,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। तो इसको अगर काटते 3/2 यानी कि बराबर 1.5 हो गया, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि अर्थात कांच में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल के 1/1.5 अथवा 2/3 गुना होती है, कह सकते हैं कि नहीं, क्या कह सकते हैं कि अर्थात कांच में प्रकाश की चाल शून्य या वायु कह सकते हैं, वायु भी कह सकते हैं इसको, चाल शून्य में प्रकाश की चाल के 1/1.5 अथवा 2/3 का गुना होती है। और ठीक उसी प्रकार अगर मैं कांच का ले लिया तो मैं पानी का भी ले सकता हूं ना, तो पानी के निकालिए देखते क्या होता है। तो देखिए फिर मैंने क्या किया, पानी की अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल, तो पानी में प्रकाश चाल कितनी होती है बच्चों, तो पानी में प्रकाश की चाल और शून्य में प्रकाश चाल कितनी होती है, तो पानी में शून्य में प्रकाश की चाल 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड हो गया और पानी में प्रकाश की चाल 225,000 होता है, ठीक है, कितना होता है 225,000
225 होगा, 3030 काट दिए, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं देखिए हमको 4/3 आएगा, इसको अगर पॉइंट ले जाते हैं 1.33 इसको कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे 1.33 बोलेंगे। तो ठीक है, अब देखिए क्या करा, अर्थात पानी में प्रकाश की चाल शून्य या वायु में प्रकाश की चाल के 1/1.33 अथवा 4/3 गुना होता है। पूछ दिया जाएगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में कि पानी में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल के कितना गुना होता है, आप लोग बताइए। ऑप्शन दे देगा आप लोगों को 3/2, एक में दूसरा में दे देगा 5/2, चौथा में दे देगा कि 4/3, तीसरा डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पॉइंट में दे दिया जाएगा 1.33 या फिर बी में दे देगा 1.6 दे देगा या 1.8 दे देगा, तो क्या हो जाएगा 1.33 हो जाएगा बच्चों, 1/1.33 हो जाएगा। तो यह मैं आप लोगों को अपवर्तनांक के बारे में कंसेप्ट से समझाया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कांच में अपवर्तनांक कितना हो जाएगा बच्चों, 1.15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर पानी में कहा जाए तो पानी में कितना हो जाएगा बच्चों, 1.33 यानी कि 1.33 इसको बोलेंगे, ठीक है, इतना हो गया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा मजेदार क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार आता है, इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको नोटबुक जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। आज देखिए कितना गर्मी भी, और आज और जस्ट अभी समय प्रकृति की लीला है, अभी हवा चलने लगी है और ठंड सा महसूस हो रहा, अच्छी बात है और पढ़ाने भी अच्छा लगेगा, इसलिए वीडियो लंबा जाएगा, आप लोग बने रहेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब फिर नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों हम फिर देखते हैं कि अपवर्तनांक किसमें कितना होता है। यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इस पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, ठीक है। कह रहा है कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक बोर्ड एग्जाम में दे दिया जाएगा आप लोगों को, कि बताइए पदार्थ अगर ठोस में तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। तो फिर कैसे पता चलेगा आप लोगों को, पढ़िएगा तब ना आप लोगों में, कितना सुंदर। देखिए मैं आप लोगों को कोलम रोग अनुसार सहायता से मैंने बना करके आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट की बात है और यहाँ पे समझने वाली बात है, इसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है बच्चों। देखिए कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक की बात अगर हम करते हैं तो पदार्थ क्या, तो पदार्थ अगर पूछ देगा ठोस में पूछा जा सकता है या फिर तरल में पूछा जा सकता है। तो पहले हम तरल को देखते हैं कि अगर तरल की बात करते हैं तो वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, समझ में आ गया कि वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा कि प्यारे बच्चों बताओ कि तरल में पदार्थ वायु अगर हो तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा, तो क्या जवाब दीजिएगा, जानिएगा तब ना। चलते हैं देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। वायु क्या कह रहा है, वायु में कितना हो जाएगा, 1.0003 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.003 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं पानी की बात करते हैं, 1.33 हो जाएगा, मैंने पानी का आपको निकाल के दिखाया भी अभी, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। और किरोसिन तेल, किरोसिन जानते हैं ना क्या होता है, हाँ, तो 1.44 इसका होता है। अगर अल्कोहल की बात करते हैं बच्चों, तो अल्कोहल की अगर बात करते हैं इसका हो जाएगा कितना, 1.36 हो जाएगा बच्चों, याद रहेगा कितना होगा अल्कोहल का, 1.3336 हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट अगर तारपीन की बात करते हैं, ठीक है, तो तारपीन में कितना हो जाएगा, 1.47 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1.47 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये पूछा जाता है, पूछ दिया जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक कितना होगा, तो क्या जवाब देंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1.63 हो जाएगा, 1.63 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, बेंजीन 1.50, और लास्ट क्या है, पीला क्वार्ट क्या हो जाएगा, 1.46 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, तरल पदार्थ में हो गया, ठीक उसी प्रकार आजकल कह देगा कि ठोस पदार्थ बताइए, तो क्या जवाब देंगे आप लोग बच्चों, ठोस पदार्थ। देखिए अगर आप लोग देख लेंगे इसको अच्छा से, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता ही है, और अगर आप 12th में 11th पढ़ने जाते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, तो ये सब भी आप लोग को पढ़ने को मिलेगा, अपवर्तनांक के बारे में पूछा देगा। तो ठोस का अपवर्तनांक कितना होगा, इसके बाद तरल का, ठोस में बर्फ का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, और तरल में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, तो ये सब पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है कि पदार्थ ठोस में, तो ठोस का अपवर्तनांक जाने, तो क्या बर्फ क्या होगा, ठोस क्या है, 1.31, इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1.31 हो जाएगा बच्चों। तो ध्यान देंगे, समझने वाली बात है,
ठीक है। तो हम लोग समझे इसको क्या कह रहा है, बर्ग में 1.31 हो गया। क्राउन कांच, क्राउन कांच में होता है बच्चों देखिए इसमें क्या होता है, क्राउन कांच और फिल्टर कांच में इसको इसका एक होता है ना इतना से इतना तक होता है, यानी कि इसका एक होता है 1.48 से लेकर के 1.61 के बीच होगा क्राउन। ये क्या क्राउन कांच का 1.48 से लेकर 1.61 तक होगा, ठीक है। इसके बीच भी हो सकता है, इसके बीच अब क्या हो सकता है 1.48 है, 1.49 भी हो सकता है, 1.450 भी हो सकता है, तो इसके इसके और इसके बीच का हो सकता है। ठीक उसी में इसी प्रकार फिल्टर कांच के 1.53 से 1.96, तो 1.53 है तो 1.54 भी कर सकते हैं, 1.55 भी कर सकते हैं यहां तक, ठीक है। अब देखिए कनाडा, कनाडा बालसम, कनाडा बालसम तो इसका हो जाएगा 1.53 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 1.53। और मानियक, मानियक क्या हो जाएगा 1.71 हो जाएगा, ठीक है बच्चों 1.71 हो जाएगा, तो याद रखने वाली बात है। और देखिए नीलम, ठीक है नीलम 1.77 हो जाएगा, 1.77, ठीक है। अब देखिए सेंधा नमक, सेंधा नमक को जानते हैं क्या होता है 1.54 इसका, सेंधा नमक का पूरी जगह अपरतन कितना हो जाएगा, तो सेंधा नमक का अपरतन 1.54 हो जाएगा बच्चों। देखिए घरों में हम लोग आजकल नमक यूज करते हैं वो तो ठीक ही, अक्सर हम लोग 10 रुपये वाला केजी जो आता है 10-20 रुपये वो यूज करते हैं, परंतु अगर आप देखिए सेंधा नमक यूज करते हैं खाने में ना तो शरीर के लिए बहुत बेनिफिट आएगा, इसलिए सेंधा नमक ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, सेंधा नमक खाए और तो शरीर के लिए भी थोड़ा लाभदायक होगा, ठीक है। और ये 10-20 रुपये हमको नहीं मिलेगा, अगर किलो हिसाब से लीजिएगा तो महंगा भी मिलेगा, ठीक है। ये इसका खासियत है सेंधा नमक में कि शरीर को लाभदायक पहुंचाएगा, ठीक है। अब हीरा देखिए, हीरा, हीरा क्या हो जाएगा 2.42। अब देखिए इसमें क्या होगा, पूछ देगा बच्चों कि सबसे ज्यादा अपरतनांक ठोस में किसका होता है, ठोस या फिर तरल में सब मिलाकर अगर कह जाए तो हीरा का अपरतनांक सबसे ज्यादा होता है। पूछ दिया जाएगा बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन में कि सबसे ज्यादा अपरतनांक किसका होता है, तो क्या जवाब देंगे, हीरा, क्या देंगे, हीरा का अपरतनांक कितना होता है 2.42 होता है, इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों को रो और कॉलम के माध्यम से बता दिया, ठीक है। इस तरह बताने से क्या होता है कि विद्यार्थियों में आप लोगों में जो है जो याद रहेगा मेमोरी पावर में और समझ में भी आ जाएगा। तो मैं बता दिया वायु पानी इसे बता दिया, ये क्या हो गया तरल में आ गया और ये ठोस में आ गया अपरतनांक इसका, ठीक है। तो इसको ध्यान, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे और क्या है इसके बारे में। तो वीडियो का स्किप ना करो, शुरू से अंत तक देखिए आप लोग, बहुत अच्छा सब लोग समझाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। तो प्यारे बच्चों देखिए अपरतनांक में एक और अपरतनांक है जिसको बोलेंगे आपेक्षिक अपरतनांक। तो आपेक्षिक अपरतनांक के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। तो आपेक्षिक अपरतनांक किसे कहते हैं बच्चों, देखिए कह रहा है दो माध्यमों के निरपेक्ष अपरतनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपरतनांक कहते हैं। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपरतनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपरतनांक कहते हैं, ठीक है। इस ये सब बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी आप लोग इसको देख लेंगे, हो सकता है अगर पूछ दिया जाए, ठीक है। अगर हम मान चलिए यदि माध्यम वन और माध्यम टू के निरपेक्ष अपरतनांक क्रमशः N1 व N2 हो तो माध्यम टू का माध्यम वन सापेक्ष अपरतनांक को पर्याय N21 से निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो N21 बराबर क्या हो जाएगा N2/N1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसको देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके लिए अच्छा होगा, नोटबुक में इसको फेयर कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कि अपरतन के जो दो नियम है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट है क्या, अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम हम देखते हैं क्या कह रहा है अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम दो है, पूछा जाएगा कि अपवर्तन के कितने नियम है, तो दो है। तो कौन कौन है आइए देखते हैं। तो अपवर्तन के दो नियम है, ठीक है। एक है, एक क्या कह रहा है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल पे होते हैं, ठीक है। आप लोगों को इसको हम चित्र के द्वारा भी समझाएंगे। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल पर होते हैं। और दूसरा क्या कहता है कि इन दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण कलर
वर्ण के लिए आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। तो क्या कह रहा है, किन्हीं दो माध्यमों, तो माध्यम आप लोग बताए माध्यम क्या हुआ, एक रास्ता हो, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश से किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। तो समझ जाइए, क्योंकि यहां से अपवर्तन के नियम से क्वेश्चन दो या तीन नंबर आपको पूछ दिया जाएगा कि अपवर्तन के नियम कितने हैं, उनके दोनों नियमों को लिखे, ठीक है। तो आप लोग को दे दिया, चित्र के द्वारा भी समझाई, तो आप लोग को मैं चित्र के द्वारा भी समझाऊंगा, ठीक है। ये हो गया आपका अपवर्तन के नियम। अब देखिए, सेकेंड जो है ये किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात नियतांक होता है। इन्हें हम क्या कहेंगे, स्नेल का नियम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपको पूछ दिया जाएगा स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आप लोग जवाब देंगे कि अपवर्तन कोण अपवर्तन के नियम के दूसरा जो नियम है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम कह सकते हैं। दूसरा क्या है, तो इसको बोल देंगे, लिख देंगे ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्नेल का नियम भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, आप लोगों को मैं बताता हूं एक कंसेप्ट की बात है, ठीक है। मैं लिखा हूं, यदि आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर हो तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम से, प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम क्या है बच्चों, ये है। अब इसके नियम से देखिए, अर्थात स्नेल के नियम से हम कह सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक होता है बच्चों, इसलिए इसको याद रखेंगे, यहां से पूछा जाता है, ठीक है। ये अपवर्तन के नियम हो गए बच्चों। अब आगे आप लोगों को बताऊंगा मैं कि अपवर्तन के नियम के बाद क्या होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आगे क्या है देखिए, इसी में कह रहा है, यह नियतांक माध्यम दो माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक n 21 के बराबर होता है, अतः साइन आई बटे साइन आर बराबर n 21, ठीक है। अब इसको हम चित्र के द्वारा समझते हैं, ठीक है। देखिए, माध्यम वन निरपेक्ष अपवर्तनांक n 1, माध्यम टू निरपेक्ष अपवर्तनांक n 2, ठीक है। आपतित किरण कोण आई और यहां पर अपवर्तित किरण हो गया कोण आर हो गया, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, यदि माध्यम वन एवं टू के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः, क्या कह रहा है कि यदि माध्यम वन एवं टू के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः एन टू और एन वन और एन टू है तथा इन माध्यमों में प्रकाश की किरण एक आपतन कोण और अपवर्तन कोण आई और आर है, ठीक है। तो कोण आई और आर है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। अगर हम अपवर्तनांक की बात करते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन 21, तो n 21 देखिए, तो n 21 बराबर n 2 बटे n 1, ठीक है। इसके बराबर हम n 2 बटे n 1 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो वही मैंने लिखा n 2 बटे n 1। अब देखिए, अथवा अगर इसको हम करते हैं तो n 1 साइन 1 साइन i बराबर n 2 साइन r होता है, ठीक है। अब देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलेंगे बच्चों कि इसे स्नेल के नियम का समरूप कहा जाता है। किसे क्या कहता है, इसको n1 sin i बराबर n2 sin r को क्या बोलते हैं, स्नेल के नियम का समरूप कहा जाता है बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा है। यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गई, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जो लोग नए हैं कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए और तब जाकर के वीडियो बनाता हूं। तो एक तो छोटा सा रिक्वेस्ट, आप लोग लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेक्चर 3 लेकर के। तो बहुत बहुत धन्यवाद।